मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शील फाटा खान कंपाउंड के पास में सड़क हादसे में 49 साल के समीर मुकादम की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि समीर मुकादम एक्टिवा से थे और इसी दौरान ये खान कंपाउंड के पास एक कंटेनर की चपेट में आ गए और इनकी जान चली गई। आपको बता दें कि वाई जैक्सन कल्याण फाटा शील फाटा महापे रोड पर रोड की खराब स्थिति होने की वजह से यहां पर आए दिन हादसे हो रहे हैं और जिसमें कोई ना कोई बाइक सवार अपनी जान गंवा रहा है। आज दोपहर के वक्त एक कंटेनर के पीछे पहिए के नीचे आने की वजह से जो हादसा हुआ ये बड़ी दुखद घटना थी। इसमें समीर मुकादम जो मुमरा के एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स के रहने वाले हैं और बड़े ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि समीर मुकादम मुमरा के पत्रकार फिरदौस सूरती के भाई हैं। इस सड़क हादसे में इनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि समीर मुकादम जो है ये लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए उड़न गए हुए थे और वहां से ये आज दोपहर के वक्त लौट रहे थे। समीर मुकादम ये एक्टिवा से थे और शील फाटा खान कंपाउंड के सामने जैसे ही ये पहुंचे और कंटेनर के चपेट में ये पीछे के जो पहिया है उसकी चपेट में आ गए और घटनास्थल पर ही समीर मुकादम की जान चली गई। इस हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों ने शील डायघर पुलिस को दी और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद जो कंटेनर का ड्राइवर था वो फरार हो गया है। बहरहाल कंटेनर को शील डायघर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस हादसे के बाद वहां पर काफ़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। काफ़ी देर बाद किसी तरह से यहाँ पर ट्रैफिक भी कंट्रोल किया गया और शील डायघर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई पूरी की और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल भेज दिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।